नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो यह प्रॉब्लम आपके सामने कई बार आया होगा, लेकिन अगर आप जानकार हैं, आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता है, वो बार बार ये गलती करते हैं। तो गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी मोटर है आपके पास स्टार डेल्टा का, और स्टार डेल्टा का स्टार्टर है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि मान लीजिए कोई मोटर है वो ख़राब हो गया है, अब आपने उसकी जगह पर दूसरा मोटर लगाया तो उसके कनेक्शन भी खोलने पड़ेंगे आपको, और फिर दोबारा कनेक्शन आपको करने भी पड़ेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि मोटर ख़राब हो गया है आपका, आपने दूसरा मोटर चेंज भी कर दिया। अब मोटर को आपने स्टार्ट में चलाया, उसको आपने स्टार्ट किया और डेल्टा में ही चलते ही वो मोटर ट्रिप हो जाता है। दोस्तों ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है, मोटर आपका चल ही नहीं पाएगा जब तक आप उसके कनेक्शन सही से नहीं करेंगे। और हर बार जो हमारे भाई हैं वो यही गलती करते हैं, उसके कनेक्शन सही नहीं करते हैं। और जब मोटर फिर आप चेक करते हैं, स्टार्टर चेक करते हैं, एनओएसी चेक करते हैं कि कहीं वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों मेन प्रॉब्लम जो होता है उसके कनेक्शन में ही होता है। तो हमको सबसे पहले कनेक्शन ही चेक करना होता है जब कभी भी मोटर स्टार्ट में चले और डेल्टा में ना चले। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा और आपको मेन प्रॉब्लम बताऊंगा कि आप इसे सही कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मान लीजिए कि कोई आपके पास मोटर है, स्टार डेल्टा का मोटर है और स्टार डेल्टा का स्टार्टर भी है। अब आपने मोटर को चेंज किया, कनेक्शन भी कर दिए, अब आपने मोटर को स्टार्ट किया तो मोटर स्टार्ट करने के बाद आपसे डेल्टा में लगा तो मोटर ट्रिप, अब डेल्टा में ट्रिप हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको कनेक्शन चेक करना है। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार डेल्टा का वर्किंग क्या होता है और जो मोटर हमारा स्टार डेल्टा में चलता है उसका क्या वर्किंग होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे तीन कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, पहला होता है मेन, दूसरा होता है स्टार और तीसरा होता है डेल्टा। अब जब आपने मोटर को स्टार्ट किया तो पहले मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर पहले होल्ड होगा, उसके बाद स्टार कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा और डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर आपका कंटिन्यू ऑन रहेगा, ठीक है। अब मोटर को स्टार्ट में क्यों चलाते हैं, क्योंकि जो मोटर बड़ी होती है उनका स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम स्टार में चलाते हैं। अगर हम डेल्टा में चला देंगे तो उसका करंट बहुत ज़्यादा चला जाएगा और मोटर के हमारे जलने के चांस रहते हैं। तो हम यहाँ पर पहले मोटर को स्टार में चलाएंगे फिर डेल्टा में चलाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आपने मोटर को स्टार्ट किया, मोटर को स्टार्ट करने के बाद मेन कॉन्ट्रेक्टर और स्टार कॉन्ट्रेक्टर एक साथ होल्ड होंगे, फिर 3 से 4 सेकेंड बाद या फिर 5 सेकेंड बाद जितना आपने टाइमिंग सेट कर रखा होगा उसके बाद स्टार कॉन्ट्रेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा और डेल्टा और आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर होल्ड रहेंगे। अब गलती क्या होती है कि आपने मोटर को स्टार्ट किया, आपका स्टार लगा फिर डेल्टा में ट्रिप हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि जैसे कि जो स्टार कनेक्शन होते हैं उसमें मोटर के प्रत्येक कॉइल को, मोटर में दोस्तों 6 टर्मिनल होते हैं, मतलब जो कॉइल होते हैं उसमें तो 3 ही कॉइल होते हैं लेकिन तीनों कॉइल के जो 6 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। स्टार डेल्टा तो आप दोस्तों जानते ही होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मोटर में 3 कॉइलें होती हैं और तीनों कॉइल के 6 पॉइंट होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं। अगर स्टार में मोटर चल रहा होता है तो प्रत्येक कॉइल को 220 वोल्ट चाहिए होता है स्टार में, ताकि हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाए। अब वो स्टार्टिंग करंट 3 से 4 सेकंड बाद वो डेल्टा लग जाता है, तो डेल्टा में वो फिर नॉर्मल करंट लेने लगता है। अब दोस्तों अगर जब मोटर डेल्टा में लगेगा तो डेल्टा में लगने के बाद प्रत्येक कॉइल को, यानी कि अगर एक कॉइल है तो एक कॉइल को डेल्टा में 415 वोल्ट चाहिए ही होता है, और प्रत्येक कॉइल को यानी कि तीनों कॉइल को 415 वोल्ट चाहिए। नहीं तो अगर आपका ऐसा नहीं है तो मोटर स्टार लगेगा, डेल्टा में ट्रिप हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, कभी भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मोटर के कनेक्शन चेक करिए कि आपने कनेक्शन किस प्रकार से किए हैं, ठीक है। यानी कि मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं वहाँ पर आपको प्रत्येक कॉइल में 415 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर सेम फेस रहेगा तो मोटर डेल्टा में जाकर ट्रिप हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कि आपने एक कॉइल है, एक कॉइल में आपने एक पॉइंट पर R दिया है, दूसरे पॉइंट पर आपको Y देना है, यानी कि फेस अलग ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक पॉइंट पर R दे दिया और दूसरे पॉइंट पर आपने R दे दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक पॉइंट पर मान लीजिए आपने एक कॉइल को R दे दिया और दूसरे पॉइंट पर आपको Y देना है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरे पॉइंट पर
आपने दूसरे कॉइल में एक पॉइंट पे वाई दे दिया, अब तीसरे पॉइंट पे आपको बी देना है। इसके बाद अगर अपने तीसरे पॉइंट पर आपको बी फेस अगर आपने एक कॉइल को दे दिया, तो तीसरे जो तो अपना दूसरा पॉइंट है तीसरे कॉइल का, उसमें आपको आर देना है। अब अगर आपने इस हिसाब से कनेक्शन अगर आपने किए हैं, तो मोटर आपका कभी भी स्टार में लगने के बाद डेल्टा में ट्रिप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कनेक्शन दूसरे तरीके से किया, यानी कि प्रत्येक कॉइल को आपने सिंगल फेस ही दिया है, यानी कि एक एक पॉइंट पे आपने आर दे दिया, दूसरे पॉइंट पर भी आपने आर ही दे दिया, या फिर आपने एक पॉइंट पर वाई दे दिया, दूसरे पॉइंट पर भी आपने वाई दे दिया, तो यहाँ पर मोटर को डेल्टा में 415 वोल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो इस वजह से आपका जो मोटर होता है वो स्टार में जाने के बाद डेल्टा में ट्रिप हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि स्टार में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि स्टार में प्रत्येक कॉइल को सिंगल फेस ही मिलता है, यानी कि 220 वोल्ट मिलता है। लेकिन डेल्टा में प्रत्येक कॉइल को चलने के लिए 415 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। जब भी आप मोटर के कनेक्शन करें, स्टार डेल्टा मोटर के कनेक्शन करें, तो आपको स्टार में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा में आपको प्रत्येक कॉइल को 415 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा आपको हो रहा है, तो मोटर कभी भी ट्रिप नहीं होगा, आपका मोटर चलेगा स्मूथली। अगर प्रत्येक कॉइल को डेल्टा में 415 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो मोटर आपका नहीं चलेगा, ट्रिप हो जाएगा। अगर आप बार बार करेंगे, तो मोटर के जलने के चांस होते हैं, मोटर आपका खराब हो जाएगा, बाइंडिंग अनबैलेंस हो जाएगा, मोटर हीटअप होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, आपको अगर समझ में आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।